विश्राम सावधान विश्राम ज्ञानेश्वर शिंदे का है। देखो आ गया वो नमूना, जब फौज में भर्ती हुआ तब फिट था, अब देखो धरती का बोझ बन गया। ए धरती के बोझ, लाइन में खड़े मत रहे। तुझे मालूम है ना लेट होने पे पनिशमेंट मिलती है। मेरे को पनिशमेंट मत दो। पनिशमेंट तो तुझे मिलेगी, ये टायर उठा और इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगा। दस चक्कर गिर गया। क्या रे धरती के बोझ, राउंड का आधा राउंड नहीं मारा और गिर गया। अरे मेजर मैडम, आपको शायद मालूम नहीं है ये भैंस की चमड़ी है। अरे आप इसको कितना भी मारो कोई असर नहीं होने वाला। मेजर मैडम, आपने इसको 10 राउंड की सजा दी, ये 1 राउंड में मार नहीं सकता। अरे मैडम, तुम्हारे पहले जितने भी मेजर आए ना, उन्होंने इससे 1 राउंड नहीं मारवा पाए। अरे मैडम, अरे 1 नंबर का कागुल्ला ये और आईबी भी है, सजा के नाम से रोता बहुत। 1 राउंड की बात कर रहे तुम लोग, अरे धरती के बॉस से 10 राउंड लगाऊंगी। गुंडी मेजर नाम है मेरा, गुंडी मेजर। अरे मैडम, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 10 राउंड मार ले, और अगर ऐसा हुआ कि 1 राउंड भी मारने लगा दिए तो मैं आपको मान जाऊंगा। अब तक तुमको मालूम नहीं गुंडी मेजर का दिमाग कैसा है, अब देखो कैसे राउंड लगाती इससे मैं। धरती के बॉस, तुझे मीठा बहुत पसंद है ना, चल अभी खा ले। दो तीन राउंड की बात कर रहे थे ना, 12 राउंड मारे उसने, 12 मानते कि नहीं गुंडी मेजर को। अबे धरती के बोझ, मेहनत का फल मीठा होता है। वो कैसे क्या मैडम? ये ऐसे। अरे वाह, गुंडी आज टेरिस पे आएंगी कि नहीं? बलवान, अबे वो देख, लगता है गुंडी आने वाली है। Love you friend, love you so much। गुंडी बड़ान, ये देखा तुम्हारे हाथ से मैंने फूल लाया। Love you गुंडी बड़ान। Thank you। आए? अबे यार क्या कड़क मेजर है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी मेजर देखा नहीं। अरे वो सिर्फ दिखने में कड़क है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अबे वो तो ऐसा ट्रीटमेंट करती, ऐसा लगता जैसे अपन आज ही फौज में भर्ती हो ले। देखो ना, खाली 1 जिलेबी के चक्कर में उससे 12 चक्कर मरवाए। 12 अभी कुछ नहीं होया, मैडम के पास दिमाग बहुत है। और सुन, कल से ग्राउंड पे जल्दी आना, वरना मैडम जलेबी के बदले ना तरबूज बांध के 10 राउंड लगवाएगी ग्राउंड में। जी, न्यूज लगाओ। इस फिल्म में एक्ट्रेस गुंडी की केसी रंग का दुपट्टा पहनकर, उसी केसी रंग के दुपट्टे को लेकर शोर मचा हुआ है। देखते हैं फिल्म रिलीज होने तक ये ऊंट किस कमर बैठता है। आने वाली अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए पूरी खबर के दौरान। जी मैडम। Bye.
हाँ हाँ ओके ओके, मैं थोड़ी देर में फोन करता। जी जी। गुंडी मैम, कुछ न्यूज चैनल वाले आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। पठान रिलीज होने तक नो मीटिंग नो इंटरव्यू। ओके जी मैडम। और हाँ मैडम, खानदेश के कुछ प्रोड्यूसरों के साथ आपकी मीटिंग है। मैंने कहा ना, सब अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। जी मैडम, सबको फोन करके बता देता। दिव्या जी, मैं मेरे फैमिली के साथ लॉन्ग टूर पे जा रही हूँ। मैडम, अपनी वो पठान मूवी के प्रमोशन का क्या करेगा? अरे गुबे जी, पठान पिक्चर को प्रमोट करने की क्या जरूरत है? न्यूज नहीं देख रहे हो क्या? प्रमोशन करने का करोड़ों रुपए बच गया, समझ लो पिक्चर हिट है। अरे बैठो बैठो, रिलैक्स रिलैक्स, ये लो एनर्जी ड्रिंक, सब में बांट देना। थैंक यू मैडम। अबे जिप्रिया, क्या फोटो आया देख। किसके? तेरे के? गुंडी पठान पिक्चर के। अबे गुंडी पठान पिक्चर की बोल रहा मैं। अरे पहलवान, तेरे को मालूम है क्या, अबे ये जो फिल्म लग रही ना गुंडी पठान, अबे इसका बायकॉट होने वाला है। अरे जिप्रिया, ऐसे गंज आए और गए बायकॉट करने वाले, और बोले बायकॉट होने वाला है। पहलवान, मुझे तो लग रहा ना ये गुंडी पठान पीट ना जाए। मुँह बंद कर, नहीं तो इधर मुँह फोड़ूंगा ना तेरा, ये पीट जाएंगी। अबे हीट जाएंगी हीट। पहलवान, तेरे मुँह में घी शक्कर? ये घी शक्कर नहीं, घी पराठा बोल। कुछ शक्कर पसंद नहीं है। अरे पहलवान, अरे गुंडी पठान फिल्म की कुछ टिकट का जुगाड़ करता क्या? जुगाड़? अबे तंबू उखाड़ दूंगा तंबू, पहला दिन पहला शो एकदम पक्का। तू पहलवान को क्या ऐसा वैसा समझ रहा क्या? अरे तू गुंडी का एकदम जबरा फैन है पहलवान। अबे गुंडिया ना पहलवान की फेवरेट हीरोइन है, और ये पहलवान ने आज तक एक भी पिक्चर नहीं छोड़ा उसकी। इसका मतलब तू बहुत बड़े बेकार है क्या? मेंटल नहीं रे, गुंडी का फैन। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके गुंडी की फैन क्लब बना लिए। पहलवान याद आया, ये अपने तरह भाई ना गुंडी कोई फार्म हाउस का उद्घाटन करने आने वाली है। अरे तू सिर्फ फार्म हाउस का नाम बता जल्दी। ये यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है वो। अरे 1500 किलोमीटर दूर रहने, पहलवान जाएगा मतलब पहलवान जाएगा, चल यहाँ से। क्या बात है, धरती के बोल ग्राउंड में सबसे पहले बस। अरे मेजर मैडम, कल तुमने मेरे को इतना भगाया ना, तो मेरे को एकदम फ्रेश लग रहा, बाद में मिट्टी मिट्टी जलेबी खिलाई, इसलिए मैं जल्दी आ गया। अबे धरती के बोल, एक नंबर का खाऊ गुल्ला है तू। और हाँ, आज खाने को तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चल एक्सरसाइज कंटिन्यू कर। हेलो दोस्तों, आज हम खानदेशी न्यूज चैनल के तरफ से हमारे कैमरामैन जगदीश चौधरी के साथ हम आज हमारे शहर के जिम्मेदार पार्टी के नेता के घर के बाहर खड़े हैं। आइए आ गए हमारे नेता जी, आज हम इनसे गुंडी पठान मूवी के बारे में कुछ सवाल करेंगे। हाँ तो नेता जी, गुंडी पठान मूवी के बारे में आपके क्या विचार है? जिस फिल्म में हिंदू धर्म और भगवा रंग का अपमान हो, हम एक पार्टी के जिम्मेदार लीडर होने की वजह से इस फिल्म का बहिष्कार करते हैं। नेताजी, आपने मूवी देखी है क्या? नहीं देखी हमने। सर जी, बहुत सी फिल्मों में भगवे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल हुआ है, उसका क्या? वो इधर नहीं बताने का, हम गुंडी पठान का बायकॉट करेंगे ये पक्का है। सर, भगवा कलर के दुपट्टे से प्रॉब्लम है क्या आपको? अरे प्रॉब्लम है तभी तो लोग विरोध कर रहे ना, वैसे भी हम दुपट्टे के विरोध में हूँ, और मूवी में भगवा दुपट्टा घोर अपमान। घोर अपमान बोले तो? करेला वो भी नीम चढ़ा। सर, आप करेला खाते हो क्या? बिल्कुल खाते, क्यों नहीं खाएंगे? वो तो हरे रंग का है, भगवा रंग आपका है, तो हरा रंग तो मुसलमानों का हो गया ना। देखिए, आप बात को कहीं के कहीं लेके जा रहे हैं, सब्जी और कपड़े में फर्क है कि नहीं, आप तुम ही बताओ। अच्छा सर, और एक सवाल। नो कमेंट, नो कमेंट। और ये देखो हमारे नेताजी नाराज होकर जा रहे हैं। रुक रुक, अबे जिप्रिया देख, अपनी गुंडी पठान का पोस्टर लग गया बा। अबे आ यार पहलवान। मैं क्या बोल रहा, चलो दो चार पोडू ले देना मेरे, ये ले जाना। शाहरुख वाला खिंचा था।
ये पहलवान भैया हो रहा थोड़ा तो सरकना। Oh no! अबे ये पहलवान अबे बस करना, पूरे गांव के निताद तू ही भेड़ लेगा क्या? अबे मुझे निकालन देता क्या बोडू? इधर आ। हाँ चल आजा तू भी खिंचा ले। अरे वाह क्या लग रहा है जिप्रिया तू इसमें? ये थोड़ा सा टेढ़ा क्रॉस हो। ए जिप्रिया अबे गुंडी मैडम से क्या चिपक रहा? पूरा उनसे मुंह छुप जा रहा उनका। हाँ बस बस हो गया चल। हाँ तो दोस्तों गुंडी पठान मूवी के बारे में हमें अब और सवाल करना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ देखो 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 ये एक शराबी आ रहा है, उन्हीं से हम सवाल करते हैं। हाँ तो शराबी भाई, गुंडी पठान फिल्म रिलीज हो रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? गुंडी पठान मूवी पे बैन लगने वाला। आप वजह बताओ, फिल्म क्यों बैन होनी चाहिए? उसमें हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। कैसा खिलवाड़? कैसे खिलवाड़? अब ये भी क्या मैं बताऊं? इसका मतलब आप गुंडी पठान रिलीज नहीं होने देंगे? बिल्कुल रिलीज नहीं होने ना। और ये पिक्चर में जो चमक चल्लू है ना, कई नाम से उसका? हाँ वही एक्ट्रेस गुंडी। हाँ वही वही। अरे भगवान स्कार्प पहनी उसने। हम उसका विरोध करेंगे और बराबर करेंगे। बोलो क्या बोलते तू? अरे सर दुपट्टा हो या ओढ़नी उसमें, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है बोले तू? अरे हमारे धार्मिक कलर का अपमान है अपमान। सर भगवा कलर आपका है क्या? और नहीं तो फिर किसके बाप का है? अरे वो उन्नी ने भगवा कलर का कपड़ा ओढ़ी, अब तुम उसको ओढ़नी बोलो किसका बोलो? उसने काय को पहनी? अब ये तुम उससे जाके पूछो उसने काय को पहनी। हम गुंडी पठान मूवी का विरोध करते हैं और गुंडी का विरोध करते हैं। भगवा रंग तो कई फिल्मों में हीरो और हीरोइनों ने पहना है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ? उन्होंने पहना पहना, लेकिन ये गुंडी ने काय को पहना भगवा रंग का दुपट्टा। इसका मतलब आपने सोच लिया है कि फिल्म को आप रिलीज नहीं होने देंगे? अरे कुछ जाऊंगा फाड़ जाऊंगा थिएटर को अंगार लगा दूंगा अंगार, अगर ये पिक्चर रिलीज नहीं होगा। किसको जो बोलेगा बोलो मेरे बारे में, कंपनी में किससे है जिसको बताने का ना बता दो मेरे बारे में, पिक्चर तो रिलीज होगी नहीं। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं गुंडी पठान मूवी का लोग किस तरह विरोध कर रहे हैं। तुम लोग 5 मिनट लेट हो, लेट आने की वजह बताओ। सॉरी मैडम, वो क्या है ना, हम पहलवान की वजह से लेट हुए। पहलवान की वजह से क्यों लेट हुए? क्योंकि आज हम सबको जगाने की पारी पहलवान की थी। फिर वो पहलवान कहाँ है? वो देखो मैडम, वो आ रहा पहलवान। पहलवान लेट आने की वजह बताओ। अरे मैडम क्या बताऊँ, कल आपने हमसे इतनी एक्सरसाइज करा दिए, हम बहुत थक गए थे, इसकी वजह से ना आज सुबह आग नहीं खुली मेरी। क्या तुम नाम के पहलवान हो? अरे मैडम मेरा सिर्फ नाम पहलवान है, तुम मेरा नाम को लेके ना सीरियस मत हुआ करो तो। अरे मेजर मैडम ये सिर्फ अगरबत्ती पहलवान है। और हाँ मैडम ये बातों में किससे हारता नहीं। नहीं बोले मैडम, इसको ना तुम ही पहलवानी सिखाओ। ए गुच्ची बैठे। ओ मैडम मेरे को कौन सा अखाड़े में जाके कुश्ती लड़ने का है जो तुम मेरे को पहलवानी सिखाएंगे? अब बोल रहा बोले पहलवानी सिखाओ इसको। खामोश पहलवान, तुम लेट हो और मुझसे जबान लड़ाई, पनिशमेंट तो तुमको मिलेगी। अरे मैडम मेरे को मालूम है क्या सजा देंगे तुम, यही ना कि ये ग्राउंड के 10 चक्कर मारने का, ये लो अब भी लगाता। रुको पहलवान, राउंड मारने की सजा नहीं मिलेगी तुमको। मैडम फिर पहलवान को क्या सजा देंगे? अब भी बताती हूँ इसको क्या सजा दूंगी मैं। मैडम हमको पता चला है कि इस फार्म हाउस का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं अपनी टीम के साथ आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ गया हूँ। अच्छा यस। ए, ए, आ निकल। अरे वाचमैन भैया जान दो ना मेरे को, मैं गुंडी मैडम का बहुत बड़ा फैन है। चल निकल ऐसे 50 फैन आते। ओ, ओ, गुंडी मैडम मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है ना। ए वाचमैन आने दे उसको। देखा पहचानते मेरे को। अरे मैडम मेरे को ना आपके साथ एक सेल्फी लेना। यस ऑफ कोर्स लीजिए। थैंक यू मैडम। मैडम फिर इंटरव्यू शुरू करूं? यस श्योर।
कैमरा ऑन करो। मैडम आपकी मूवी गुंडी पठान जबरदस्त रश ले रही है। वो सब आप लोगों की कृपा। मैम पठान को लेके इस पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? कुछ नहीं, देखिए पांचों उंगली बराबर रहती है क्या? नहीं ना, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। गुंडी जी भगवा रंग को लेकर विवाद है, पर उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए दुनिया के सारे रंग भगवान ने ही बनाए ना, तो रंग से किसी को बैर नहीं होना चाहिए। गुंडी जी हमने सुना बायकॉट की धमकी को लेकर आप बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे तूफान तो कई उठते हैं और थम भी जाते हैं ना, वैसे मैं कोई तूफान से डरती नहीं हूँ, और ये तूफान तो चाय के पहले में आया था। अच्छा गुंडी जी आप अपने फैन को क्या मैसेज देना चाहोगी? बस इतना कहूंगी लव यू फैन, ये कामयाबी मेरे फैन की है। ओके मैम थैंक यू, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया। कैमरा ऑफ करो। गुंडी जी ऑफ कैमरा, मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। ठीक है पूछो। गुंडी जी सही बोलूँ? मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू थैंक यू। गुंडी जी इतने हड़कम के बावजूद इतना बिजनेस कर रही है, वजह? तो सुनिए मुकीम जी, शतरंज के खेल में राजा को बचाने के लिए कई मोरे पिटवाने पड़ते हैं। ये एंटी पब्लिसिटी का गेम है, समझे मुकीम जी? याने विरोध और क्रोध। गुंडी जी वो कैसे? हमारा विरोध होगा ना? हाँ सो तो है। तो हमारे चाहने वाले का क्रोध तो बढ़ेगा ना, बस क्रोध में आके हमारे फैन हमारी फिल्म को कहाँ से कहाँ लेके गए, और देख लीजिए कमाल का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब आप ही नहीं ये एंटी पब्लिसिटी? हाँ मुकीम जी ये एंटी पब्लिसिटी हमने ही करवाई थी, ताकि हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। यानी विरोधी और क्रोधी दोनों? हाँ यानी चित भी अपनी और पट भी अपनी। अरे मुकीम जी थोड़ी सी सियासत हम नहीं जानते हैं। दो बकेट है, ये पानी से भरी हुई है और ये खाली है, और पहलवान तुम्हारी सजा ये है कि ये पानी से भरी बकेट ये खाली बकेट में खाली करनी है। अरे मैडम बस इतनी किरकोल सजा? अरे पहलवान तो ऐसे खाली कर देगा ये बाल्टी और बाल्टी में, तुम्हारे समझ में भी नहीं आने देगा। नो नो पहलवान, इस बकेट से इस बकेट में पानी नहीं डालना है, इस चम्मच से ये पानी भर के ये बकेट में डालना है। तो पहलवान पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अरे मेरे बाप रे, आ जाओ। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? तुम लोगों को जानबूझकर सजा देती हूँ, सताती हूँ तुमको? अरे मैं तो ये चाहती हूँ गणतंत्र दिवस के दिन मेरी बटालियन किसी बटालियन से पीछे न रहे। यस सब क्लियर? यस मैडम। जय हिंद।